नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जेड इंडिया में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक और नया और बेहतरीन वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के ऊपर। ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि आपका ब्लो मोल्डिंग क्या होता है, ब्लो मोल्डिंग का सिद्धांत क्या होता है, और पहली ब्लो मोल्डिंग कब बनी थी, और ब्लो मोल्डिंग मशीन से बनने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लो मोल्डिंग होता क्या है। तो दोस्तों ब्लो मोल्डिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यह एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। वह कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे हम हॉलो प्लास्टिक बनाते हैं। हॉलो प्लास्टिक बनाते हैं यानी कि खोखला, हिंदी में कह लीजिए खोखला, इससे हम लोग हॉलो प्लास्टिक बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में आपका हॉलो प्लास्टिक बनता है, और ये पार्ट जो होते हैं, जो पार्ट बनाए जाते हैं आपके ब्लो मोल्डिंग से, 99% ठीक है, 99% वन साइडेड से ओपन रहते हैं, और जनरली कंटेनर्स बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरली कंटेनर्स बनाए जाते हैं। ये लगभग 49% बनाया जाता है आपके पूरे वर्ल्ड में ब्लो मोल्डिंग से। ठीक है, अभी आगे हम स्लाइड में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज में, ये कंटेनर्स हैं ठीक है, जो कि वन साइडेड ओपन है। ये आपके ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे फुलाकर यानी ब्लो करके, एयर ब्लो करके बनाया जाता है, इसलिए इसको ब्लो फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज ब्लो फॉर्मिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस और ब्लो फॉर्मिंग प्रोसेस सेम होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो सेम लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, कि मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लो फॉर्मिंग ऑब्लिक ब्लो मोल्डिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय विच हॉलो प्लास्टिक पार्ट्स आर फॉर्म्ड और मेड, बनाए जाते हैं या बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है 49%, जैसा कि हमने बात किया, 49% कंटेनर्स जो होते हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आपके 49%, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 49% कंटेनर्स जो होते हैं आपके ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग से आपका 27%, रोटो मोल्डिंग से आपका 16%, बाकी तीन और अदर प्रोसेस से जो बनाए जाते हैं आपके कंटेनर्स, वो अदर प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहली सेंचुरी के स्टार्टअप में कैसे बनाया जाता था, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, बहुत ही पुरानी इमेज है। इसमें क्या किया जाता है, ये प्लास्टिक नहीं है दोस्तों, ये है आपका ग्लास। ठीक है, ये ग्लास ब्लो है। ठीक है, ये ग्लास ब्लो है। कैसे बनाया जाता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मेटल की पाइप पे, ठीक है, मेटल पाइप पे आपका हॉट ग्लास को पिघले हुए ग्लास को लगाकर, उसके बाद मुंह से एयर इसमें ब्लो किया जाता था, उसके बाद ये फूलता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी का एक आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि ये महापुरुष कैसे बना रहे हैं, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है कि मतलब ये पुरानी पद्धति है, जो कि फर्स्ट सेंचुरी से में बनाई जाती थी बॉटल, इस टाइप से ग्लास के बॉटल्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ और इन्होंने क्या किया, एक मोल्ड ऐड कर लिया। ठीक है, नीचे मोल्ड कर लिया ताकि प्रॉपर शेप दे, क्योंकि पहले जो बनता था उसमें अनइवन शेप बनता था। ठीक है, अनइवन शेप बनता था। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मोल्ड ऐड किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोल्ड। ठीक है, मोल्ड ऐड किया जिससे इनको प्रॉपर शेप मिलने लगा। ठीक है, प्रॉपर शेप मिलने लगा जिससे आपका इसमें थोड़ा सा वन स्टेप आगे का सुधार हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे ब्लो करके बनाया, ये मोल्ड है, ओपन किया ये। ठीक है, देखिए मोल्ड क्लोज किया आपका, और उसके बाद इसको मुंह से फूंक के भाई साहब ने ब्लो कर दिया,
और ये आपका प्रॉपर अच्छा सा गोल सा राउंड सा शेप मोल्ड का लेके निकला। ठीक है दोस्तों, तो ये वन स्टेप आगे की बात है। ठीक है, तो ऐसा जो है पुराने ज़माने के खुदाई में मिले या पुराने ज़माने के कहीं भी संग्रहालयों में आप इस टाइप के बोटल्स देख सकते हैं जो पुराने ज़माने में बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये है पुरानी हिस्ट्री। अब क्या होता है आपका 1938 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1938 में जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1938 में दो साइंटिस्ट आपके अनोक फ्रेंगरे और विलियम कोपितके, या नाम याद रखिएगा दोस्तों, वैसे एनोक लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा जाता है हनोक, हनोक फेरेंगरे और विलियम कोपितके ने आपकी जॉन वेस्ले हयात, जॉन वेस्ले हयात कौन है दोस्तों, इन्होंने एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इन्होंने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने क्या किया, हनोक फेरेंगरे और विलियम कोपितके ने एक मशीन बनाई, ब्लो मोल्डिंग मशीन, जो बनाई आपकी हार्टफोर्ड एम्पायर कंपनी के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जॉन वेस्ले हयात यानी कि जे डब्ल्यू हयात, ठीक है, हयात के मशीन के आगे इन्होंने ब्लोइंग जो मुंह से फुला रहे थे मोल्ड वो ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हम अगले स्लाइड में देखते हैं, देखेंगे। तो ये 1940 तक अभी इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि हार्टफोर्ड जो कंपनी थी उसने भी वो मशीन को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया, हार्टफोर्ड, ठीक है, हार्टफोर्ड कंपनी जो थी इन्होंने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, ज़्यादा यूज नहीं किया। ठीक है, 1970 में यानी कि 1970 में आपका 2 से 3 लीटर कैपेसिटी का सोडा बोटल फर्स्ट टाइम बनाया गया, सोडा बोटल आपका फर्स्ट टाइम बनाया गया। जैसा कि आप सोडा बोटल का इतिहास देख सकते हैं, पहले कांच का बनता था, ठीक है, ऐसे शेप लेता गया और ये जाके यहाँ पे प्लास्टिक का बोटल बना आपका 1970 के आसपास। ठीक है, तो ये पहली बार 1970 में बना दोस्तों। ठीक है, और उसके आगे आने वाले 20 सालों में, जैसा कि आप देख सकते हैं 20 सालों में भाई साहब ये 10 बिलियन जीरो प्रोडक्ट से यानी कि 10 बिलियन प्रोडक्ट आपके बनने लगे ओनली ब्लू मोल्डिंग से। ठीक है, जैसे अभी पीछे हमने बात किया, आज की डेट में तो 49% ऑफ कंटेनर पूरा ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में बनता है आपका ब्लू मोल्डिंग से। ठीक है, तो पहला बोटल कब बना दोस्तों, 1970 के दशक में। ठीक है, और कोको कोला बनाने वाली कंपनी ने आपका सबसे पहला प्लास्टिक बोतल का यूज़ किया था जो कि 2 से 3 लीटर कैपेसिटी में था। ठीक है, उसके बाद क्रांति आ गई कोको कोला बोतल के यूज़ करने के बाद और 10 बिलियन पहुंच गए जीरो से मात्र और मात्र 20 साल में यानी कि 1990 तक। ठीक है, 1990 तक आपके 10 बिलियन प्रोडक्ट जो है ब्लो मोल्डिंग से बनाए जाने लगे। अब देखिए, ये आपके अनोक फ्रेंगरे और विलियम कोपितके ने क्या किया, ये इंजेक्शन मोल्डिंग का, आपने अगर इंजेक्शन मोल्डिंग पढ़ा होगा तो ये इतना बैरल होता है, इसके आगे भाई लोगों ने क्या किया, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसके आगे क्या किया भाई लोगों ने, यहाँ पे आपका डाई हेड, ठीक है, डाई और हेड ऐड कर दिया जिससे आपका मटेरियल एक्सट्रूड होकर आ रहा है और आपका दूसरी जगह जाके आपका ब्लोइंग हो जाता है। जैसे कि अभी देखिएगा, ये आपका मटेरियल एक्सट्रूड होके आया और यहाँ पे आपका ब्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लो मोल्डिंग का आविष्कार किया था भाई लोगों ने। तो ब्लो मोल्डिंग का सिद्धांत क्या है आपका, ब्लो करके, ब्लो एयर की मदद से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लो एयर की मदद से इसको पेरिसन को फुला कर आपका बॉटल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग ब्लो मोल्डिंग का प्रिंसिपल और इतिहास समझ पाए होंगे। तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब टाइप ऑफ ब्लो मोल्डिंग, कितने टाइप के ब्लो मोल्डिंग होते हैं, तो वो जनरली 3 तरह के होते हैं। जो पहला है एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग का टाइप था। दूसरा है स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग और तीसरा है इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अभी बस इतना जानिए कि 3 टाइप के आपके ब्लो मोल्डिंग प्रोसेसेस जनरली पाए जाते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मटेरियल कौन सा यूज होता है। तो सबसे पहला मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है LDPE यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। दूसरा है आपका SDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। और तीसरा है आपका पॉलीएथिलीन
करप्टलेट यानी कि पेट, जिसका सबसे ज़्यादा बोतल बनता है, ठीक है। और तीसरा है आपका पॉलीप्रोपिलीन यानी कि पीपी, ठीक है दोस्तों। तो बोतल सबसे ज़्यादा किसका बनता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका बनता है आपका पेट का। और बोतल सबसे पहले कब बना था, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, तो सबसे पहला बोतल बना था 1970 के दशक में। किसने बनाया था भाई, कोको कोला ने। कोको कोला ने कितने लीटर में, 2 से 300 3 लीटर के कैपेसिटी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी पीछे हमने बताया, चाहिए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा एप्लीकेशन क्या होता है ब्लो मोल्डिंग का, तो वाटर बॉटल्स। अब सबके हाथ में भैया, कहीं भी जाओ, स्टेशन जाओ, कहीं जाओ, पानी के बोतल आपको मिलेंगे। तो ये बनता है पेट स्ट्रेस ब्लो मोल्डिंग से, पेट का सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। दूसरा प्लास्टिक जेरिकेन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बनता है आपका एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग से। तीसरा है आपका लिक्विड कंटेनर्स। चौथा आपका प्लास्टिक बैरल्स, बैरल्स यानी कि ड्रम्स को टेक्निकल लैंग्वेज में बैरल्स भी कहा जाता है, ठीक है, बैरल्स कहा जाता है इसको, ठीक है। पुराने जमाने में लकड़ी के जो बनते थे उनको बैरल कहा जाता था, तो अभी इनको भी बैरल ही कहा जाता है, प्लास्टिक के बनते हैं तो, ठीक है। प्लांटर्स यानी कि गमले, ये भी आजकल आप ब्लो मोल्डिंग से बनने लगे हैं। वाटर टैंक्स, पहले रोटो मोल्डिंग से बनता था, आजकल ब्लो मोल्डिंग से बनने लगा है, ठीक है दोस्तों। टूल केस, ये टूल केस भी आपका ब्लो मोल्डिंग से बनता है। ये उन 1% प्रोडक्ट में आता है जो एक तरफ से बंद नहीं होता, इनको एक पिन से होल करके, ओनली एक पिन से होल करके फुलाया जाता है, जो कि आप अगर देखिएगा, अगर आपके पास कोई टूल बॉक्स ऐसा होता है उसमें देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको वो पिन दिख जाएगा, पिन होल दिख जाएगा, जो कि ब्लो पिन का होल होता है जिससे ये फुलाया जाता है। तो ये 1% में आता है जो कि एक तरफ से खुले नहीं होते, बाकी सब देखिए सब एक तरफ से खुले होते हैं। ये भी यहाँ से खुला होता है, ठीक है, ये भी यहाँ से खुला होता है भाई, ये सब ऊपर से खुले रहते हैं, ये सारे खुले हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ से खुला रहता है और ये तो यहाँ से खुला हुआ दिख ही रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 49% कंटेनर कहाँ से बनता है, कंटेनर्स जो होते हैं बनते हैं आपके ब्लो मोल्डिंग से। और पहला बोतल बनी थी 1970 में कोको कोला ने, ये तीसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया नीचे कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें, ठीक है दोस्तों। फीडबैक दें, आइडियाज़ दें, और कौन से वीडियोस बनाने हैं या सजेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं दोस्तों। लाइक ज़रूर कीजिए, हम कई बार बोलते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें बहुत प्रोत्साहित करता है और नए वीडियोस नए टॉपिक पे लाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता रहता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा और डिसलाइक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली कीजिए आप डिसलाइक। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि क्या गलती हुई, क्या सुधार किया जा सकता है, सजेशंस जरूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी सुधार करके वीडियो लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।